फ्रेंड्स यहाँ पर कम बजट में आपको एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन अगर खरीदना है तो डेफिनेटली आप सीधे सीधे यार वन प्लस को प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पर अब तक यहाँ पर वन प्लस ने अपना बहुत ही बेहतरीन जो है फोन्स को निकाला है। यहाँ पर वन प्लस थ्री, वन प्लस थ्री टी, वन प्लस फाइव, वन प्लस फाइव, मतलब ये चार फोन्स तो यहाँ पर धमाल कर रहे हैं। लेकिन अब है 2018 और यहाँ टाइम है वन प्लस सिक्स का। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपसे बात करना वाला हूँ वन प्लस सिक्स के बारे में। यहाँ पर कुछ लीक्स, रूमर्स और कुछ कन्फर्म्ड डिटेल्स भी हैं इस फोन को लेके। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि वन प्लस सिक्स जब लॉन्च होगा तो आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला है। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। मेरा नाम है मानव प्रताप और मिस्टर वी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें सबसे पहले रिलीज डेट की, ये रिलीज डेट जो है वो हो चुकी है कन्फर्म। जो वन प्लस है उसने कन्फर्म कर दिया 16 मई को जो हम इसे ग्लोबली दिखाएंगे, हम बताएंगे कि फ़ोन जो है कैसा है, ग्लोबली रिलीज कर देंगे फ़ोन को। तो अब यार तब तक तो यहाँ पर कुछ लीक्स और रूमर्स भी हैं जिनके बारे में आपसे बात करना। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। तो यहाँ पर एक्सपर्ट का कहना है कि ये जो फ़ोन है वन प्लस, इवन वन प्लस ने भी कुछ इशारे किए हैं कि ये जो फ़ोन है अब तक का सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव वन प्लस कंपनी का फ़ोन होने वाला है। तो डेफिनेटली ये फ़ोन जो है मे बी 40 से 45 हज़ार तक में आएगा। तो यहाँ पर मतलब थोड़ा निराश तो होंगे क्योंकि यहाँ पर वन प्लस जो है फ्लैगशिप स्मार्टफोन वाले फीचर्स आपको देता है कम बजट में, लेकिन यहाँ बजट थोड़ा बढ़ गया तो यहाँ थोड़ा 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 डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन यार यहाँ पर कुछ फीचर्स जो हैं फीचर्स जो कन्फर्म हो चुके उसके अकॉर्डिंग ये प्राइस इतनी ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आफ्टरऑल ये प्राइसिंग के अकॉर्डिंग आपको फ़ोन में काफ़ी कुछ मिलने वाला है। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीन की और डिज़ाइन की। तो यहाँ पर जो स्क्रीन है वो आपको मिलने वाली है 6.28 इंचेस की फुल एचडी प्लस 19:9 की एक्सपेक्ट रेशियो वाली डिस्प्ले। ऑब्वियसली ये टॉप नॉच फ़ोन आपको टॉप में नॉच के साथ ही मिलेगा, यानी आपको जो स्क्रीन में ऊपर टॉप में मिलेगी आईफोन 10 जैसी नॉच, लेकिन जो नॉच होगी वो होगी थोड़ी छोटी। ओप्पो F5 या वीवो V9 जैसी नॉच आपको, थोड़ी छोटी नॉच आपको देखने को मिलेगी। और वन प्लस भी यहाँ बढ़ चुका है नॉच की तरफ। तो यहाँ पर जो फ़ोन की डिज़ाइन की बात करूँ तो यहाँ जो है पहली बार नहीं, खैर दूसरी बार ये जो फ़ोन है वो आपको बैक में मिलेगा ग्लास फिनिश के साथ। यहाँ पर पीछे जो है ग्लास बिल्ड होगी। इससे पहले जो एक वन प्लस एक्स नाम से फ़ोन आया था उसमें आपको पीछे बैक में ग्लास फिनिश मिली थी। बाकी तो सारे फ़ोन्स आपको फुल मेटल बॉडी डिज़ाइन के साथ मिलते हैं, लेकिन ये जो वन प्लस सिक्स है वो आपको मिलेगा पीछे बैक में ग्लास फिनिश के साथ। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो खास बात, अच्छी बात और मतलब मज़ेदार बात ये है कि इस फ़ोन में भी आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलेगा, ये कहीं नहीं गया। और साथ ही साथ एक एडिशनल फीचर जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, आपको अब तक वन प्लस के किसी फ़ोन में देखने को नहीं मिला था, जो कि है वाटर रेसिस्टेंट फ़ोन। तो यहाँ पर वन प्लस सिक्स जो है वो आपको मिलेगा वाटर रेसिस्टेंट। तो ये काफ़ी बढ़िया बात है, यहाँ जो फ़ोन है वो आपको मिलेगा वाटर रेसिस्टेंट। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस फ़ोन की परफॉर्मेंस को लेकर, परफॉर्मेंस के लिए आपको यहाँ पर जो है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 845 ऑब्वियसली वही प्रोसेसर जो सबसे लेटेस्ट है वो वन प्लस यूज़ करता है, तो वही आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला। साथ ही साथ यहाँ पर जो टॉप एंड वेरियंट है वो आपको मिलेगा 8 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। और ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि इसके लोअर वेरिएंट भी आएगा, शायद मे बी 6 GB रैम और कुछ और इंटरनल स्टोरेज इसमें कम होगी, 128 मे बी 64 जितनी, अब वो तो खैर पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो टॉप वेरिएंट आपको मिलेगा वो मिलेगा 8 GB ऑफ रैम और 256 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज के साथ। और जो फ़ोन है वो मतलब एक और इसका स्पेशल एडिशन आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि है एवेंजर्स का इन्फिनिटी वॉर्स एडिशन। तो वो आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो फ़ोन है वो आपको काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाला है। वहीं अगर हम बात करें कैमरे की, तो यहाँ पर जो है लीक्स के अकॉर्डिंग कुछ फोटोज़ वगैरह लीक हुई थी जिसके अकॉर्डिंग जो फ़ोन है वो बैक से दिखेगा कुछ ग्लासी फिनिश वाला, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन यहाँ पर जो कैमरा सेटअप है वो है बिल्कुल बीच में वर्टिकल रियर कैमरा सेटअप, और नीचे सर्कुलर से नहीं बिल्कुल रेक्टेंगुलर टाइप में आपको जो है मिलता है यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड लगता है यहाँ पर सैमसंग से। तो यहाँ मतलब वन प्लस जो 6 है वो अब तैयारी कर रहा है यहाँ पर एप्पल के आईफोन 7 की जगह सैमसंग के कैमरा सेटअप को कॉपी करने की। लेकिन यहाँ पर जो कैमरा है वो मैं बता दूँ, वो आपको मिलते हैं डुअल रियर कैमरा सेटअप, जिसमें कि जो मेन कैमरा है वो है 20 MP का f/1.7 एपर्ज के साथ, और सेकेंडरी कैमरा जो है वो 16 MP का कैमरा है। यहाँ पर आपको शायद 2x ऑप्टिकल जूम 5T की तरह मिलेगा, और यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट मोड वगैरह तो बाकी सब फीचर्स वहाँ मिलेंगे ही। साथ ही साथ फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में भी आपको मिलेगा एक 20 MP का सेल्फी शूटर, जिससे कि आप सेल्फीज भी बहुत ही बेहतरीन क्लिक कर पाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है कुछ एडिशनल फीचर्स जो हैं, कुछ एडिशनल चीज़ें जो कि आपको इसमें मिलेंगी, वो है इम्प्रूव्ड फेशियल रिकॉग्निशन वाला फीचर, जिससे कि आपको वन प्लस 5T से थोड़ा बेटर वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर फेस अनलॉक।
साथ ही साथ ये जो फ़ोन है वो आपको मिलेगा जेस्चर कंट्रोल के साथ। मे बी शायद आईफोन 10 जैसे जेस्चर्स हों या अपने कुछ नए जेस्चर्स या मी मिक्स 2S जैसे जेस्चर्स इसमें देखने को मिले, जो कि काफ़ी काफ़ी बहुत बेहतरीन थे। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको क्या लगता है वन प्लस 6 इस प्राइस में 40-45 के प्राइस में अगर पहुँचता है तो क्या इसकी वैल्यू मार्केट में रहेगी या नहीं। बाकी यार फ़ोन तो बहुत बेहतरीन है क्योंकि यहाँ पर जो सारी स्पेसिफिकेशंस है वो बहुत बेहतरीन है, यहाँ पर इंप्रूवमेंट्स हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ लीक्स और रूमर्स ऐसे ही आ रहे थे कि यहाँ पर जो आपको इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा नहीं अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है, आपको इस बार ये नहीं मिलेगा। मे बी शायद एक स्पेशल एडिशन आए तो मिल जाए उसमें, या वन प्लस 6T में कुछ नहीं कह सकते यहाँ पर वन प्लस क्या करने वाला है, लेकिन ये एटलीस्ट ये जो चीज़ें हैं वो आपको गारंटीड मिलेंगी ही इस फ़ोन में। यहाँ पर जो लीक्स हैं वो भी मतलब इतनी कन्फर्म्ड हैं कि यहाँ पर ये फ़ोन में ये चीज़ आपको मिलने वाली। बाकी इस वीडियो में इतना ही, आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है डेफिनेटली इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बराबर मिल गई बिल्कुल जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे और मिस भी मत क्या करिए क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग टाइप वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।